हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग के फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मेरे फ़ोन में यहां पे मैं फ्लिपकार्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे फ़ोन में जो फ्लिपकार्ट है वो ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट ये जो लोगो आ रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और आपके फ़ोन में भी फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग के फ्लिपकार्ट में समथिंग फ्रॉम प्रॉब्लम कोई भी आती है, या समथिंग वेंट रॉन्ग या समथिंग प्रॉब्लम कुछ भी आती है, या आप लोग का फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोग बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट अगर ओपन नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग के फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आइए और यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग, और एप्लीकेशंस में जाइए। आप लोगों को अपने फ़ोन में उस सेटिंग में चले जाना होगा जहाँ पे आप लोग के फ़ोन में सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। इंस्टॉल्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप लोग के फ़ोन में जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, सारी की सारी जो ऐप्स हैं वो यहीं पे आपकी आ जाएंगी। अब ये देख सकते हैं, सारी ऐप मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसमें से ये रहा फ्लिपकार्ट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग जो अपना फ्लिपकार्ट फाइंड कर लेना, तो ये रहा फ्लिपकार्ट। और इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा फोर्स स्टोरेज पे क्लिक कीजिए और क्लियर डाटा पे क्लिक कीजिए और क्लियर कर दीजिए इसको, ठीक है। और दोस्तों, ये देख सकते हैं डेटा आप लोग का क्लियर हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे बैक हो जाइए और बैक होने के बाद आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग फ्लिपकार्ट को सर्च कीजिए। तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट को सर्च करूँगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फ्लिपकार्ट अगर आप लोग को अपडेट के लिए आता है तो फटाफट से इस फ्लिपकार्ट को आप अपडेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन मेरा फ्लिपकार्ट अपडेट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे करेंगे इसको ओपन। अब ये देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक कीजिए। इंटरनेट आप लोग कनेक्शन को फास्ट रखना यहाँ पे। अब आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर है जिससे आप लोग का फ्लिपकार्ट बना हुआ था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। यहाँ मैं डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। कंटिन्यू के बटन पे आप लोग क्लिक करिए। आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, सिम कार्ड इसी फोन में डाल के रखिए, आप लोग का ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और आप लोग यहाँ पे देखेंगे आपका जो फ्लिपकार्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को फ्लिपकार्ट में अभी प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो फ्लिपकार्ट है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर।